कश्मीर में एक लहर सी दौड़ पड़ी है अमन की, सुख समृद्धि की और कामयाबी की मोदी सरकार के आगमन से। हर किसी के हृदय में इच्छाएं फिर से जाग उठी हैं, एक भविष्य के लिए, एक नए भविष्य के लिए, वो भविष्य जहां कश्मीर के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का स्तर उच्च और आरामदायक हो। और ये सब संभव हो पाया है आपके आने से। आज इसी सफर में कुछ और मील के पत्थर जुड़ने जा रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले ऐसे प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, जिनसे जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर में कई और खूबसूरत रंग जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ऐसे दीगर शोबों में इनकलाब लाने के लिए HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तश्कील दिया है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान फार्मर्स लाभान्वित होंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन के तहत प्रसाद नामी परियोजना तैयार की है ताकि लोगों को हर तरह की सुविधा का साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के मौके मिले। इस सिलसिले में आज माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ लम्हों के बाद 53 ऐसे प्रोजेक्टों का लोकार्पण करेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने ही देखो अपना देश स्कीम के तहत लोगों को देश की अनेकता का, विविधता का लुत्फ लेने और इसके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने का मंसूबा तैयार किया है। इसके साथ साथ भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 42 ऐसी डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई किया है जिनको बढ़ावा देकर टूरिज्म का दायरा वसी किया जा सकता है और साथ ही लोकल पॉपुलेशन के लिए रोजगार के जरिए पैदा किए जा सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो भारतीय रहते हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने खुद उन्हें आह्वान किया है कि वो उन मुल्कों के अपने दोस्तों को भारत आने की दावत दें। इसी के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन तरतीब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्राम्स को अवाम के नाम वक्फ करें। जोरदार तालियां स्टेडियम के हर तरफ से, स्टेडियम के हर हिस्से से, हर पार्ट से, हर भाग से जोरदार तालियां इस लम्हे के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब एक शॉर्ट फिल्म मोदी सरकार के उन विभिन्न प्रयासों को दर्शाती हुई जिनसे पर्यटन के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन आ रहे हैं। वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत, अनगिनत ऐतिहासिक धरोहरों और विविध प्राकृतिक छटाओं का संगम भारत भूमि सदियों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है। हमारे यहां तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, दुनिया के देशों में, एक एक देश में जितनी ताकत है उतनी हमारे एक एक राज्य में है। ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। स्मार्ट सिटी, अमृत शहर, स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी कई योजनाओं के कारण देश के पर्यटन स्थलों का कायाकल्प हो रहा है। सरकार ने कनेक्टिविटी और सुगम यातायात पर विशेष बल दिया और रेलों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ साथ नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ। द्वारका, काशी विश्वनाथ, महाकाल, केदारनाथ, अंबाजी और अयोध्या जैसे 180 स्थलों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकसित किया गया जिससे आध्यात्मिक पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई।
पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, होटल उद्योग, होम स्टे में बढ़ोतरी तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत देश के पहले सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौशल विकास और रोजगार के जरिए समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की नई राहों का निर्माण हो रहा है। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 35,000 युवा टूरिज्म क्लब बनाए गए हैं। नए पर्यटन स्थलों की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए कई पर्यटन स्थलों का निर्माण हुआ है। साथ ही राज्यों में यूनिटी मॉल और ODOP के जरिए व्यवसाय के नए अवसर भी बने हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान देश के 60 शहरों को केंद्र में रखा गया था, जिन्हें अब कॉन्फ्रेंस और इवेंट टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र में मिशन मोड में काम कर रही है। इसे नई ऊंचाई देते हुए 1,430 करोड़ रुपए से अधिक की पर्यटन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस पोल की भी शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत भारतीय पर्यटक अपने पसंदीदा पर्यटन स्थलों के साथ उन नए स्थानों के बारे में भी बता सकेंगे जहां जाना उनका सपना है। इसके अलावा चलो इंडिया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो प्रवासी भारतीयों को इनक्रेडिबल इंडिया एम्बेसडर बन अपने गैर भारतीय साथियों को भारत भ्रमण के लिए प्रेरित करने का मौका देता है। पर्यटन से परिवर्तन का ये अभियान निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और शॉर्ट फिल्म जो ये संदेश लाए हुए है कि बदलते जम्मू कश्मीर यानी खुशहाल जम्मू कश्मीर का ख्वाब पूरा करने में मोदी सरकार की नीतियों ने क्या प्रभाव डाला है। भारत का सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प एवं नारी, युवा, किसान और गरीब आदि सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। जहां एक ओर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आयुष्मान सेहत योजना के अंतर्गत 5,00,000 तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर 16,00,000 से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है और लगभग 9,00,000 लोगों को पेंशन दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के स्वर्णिम युग का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर नामुमकिन समझे जाने वाले इस काम को मुमकिन कर दिखाया और आज यहां की आवाम को वो सब हकों हकूक मिल गए हैं जो कि देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज होलिस्टिक कृषि विकास योजना के लोकार्पण के साथ जम्मू कश्मीर के कृषि परिवेश में एक नए युग का आगाज हुआ है। किसानों के हितों के प्रति समर्पित भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुए आज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार समग्र कृषि विकास योजना पूरे देश में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फैली 29 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री पालन, सेरीकल्चर, मशरूम फार्मिंग इत्यादि शामिल हैं। होलिस्टिक कृषि विकास कार्यक्रम के तहत आगामी 5 वर्षों में 13,00,000 किसान परिवारों की आजीविका में सुधार, लगभग 3,00,000 रोजगार के नए अवसर, 19,000 कृषि उद्यमों के नेटवर्क की स्थापना और कृषि संबंधित क्षेत्रों में 2,50,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए किसान साथी पोर्टल डिजाइन किया गया है, जो एक वन स्टॉप समाधान है। दक्ष किसान किसानों के लिए एक अनूठी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है।
जिसमें हजारों कोर्स और वीडियो हैं, जो किसानों को कृषि से जुड़े आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। किसान संपर्क अभियान के पहले मरहले में ही 4000 पंचायतों और 5 लाख से अधिक किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। साथ ही किसान खिदमत घर का भी प्रावधान है, जिसके जरिए किसानों को एक ही छत के नीचे विशेष सलाह, मौसम सूचनाओं और कृषि संबंधित जरूरत तक हर सुविधा उपलब्ध की गई है। अमन और शांति के वातावरण में 2023 में G20 पर्यटन कार्य समिति के सफल आयोजन ने जम्मू कश्मीर को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया है। साथ ही यहां पर एक दशक में सबसे अधिक टूरिस्ट विजिट दर्ज किए गए हैं। आज प्रसाद योजना के तहत हजरत बल दरगाह के एकीकृत विकास कार्य के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादी कश्मीर को किसी भी विदेशी पर्यटक स्थल के समकक्ष खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व रफ्तार से कार्य हुआ है और लगभग 60,000 करोड़ की लागत से हाईवे, सड़क और पुल निर्माण की अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ लगभग 15 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में जल पहुंचाया गया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिली है और लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। भारत सरकार के 28,400 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से औद्योगिक विकास को बल मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू और श्रीनगर में लगभग 4,500 करोड़ की लागत से 200 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और लाडली बेटी योजना में लगभग 785 करोड़ का आवंटन किया गया है। आज जम्मू और कश्मीर में लगभग 47,000 लखपति दीदियां हैं, जो महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में लगभग 35,000 व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में आज देश में सबसे अधिक 1,120 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए परचम लहराया है। गुलमर्ग में लगातार 4th वर्ष राष्ट्रीय विंटर गेम्स के आयोजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर देश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जम्मू कश्मीर आज एक नई सोच और नई रफ्तार के साथ नित्य नए आयाम हासिल कर रहा है। बदलता जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर, हमारे महबूब रहनुमा मोदी जी का सपना, ख्वाब, जिसको पूरा करने के लिए हम सब जम्मू कश्मीर के लाखों आवाम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में जान के हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को जो चैन की ज़िंदगी मैसर हुई है, जो शांति की ज़िंदगी मैसर हुई है, वह ऐसी ही कुर्बानियों का नतीजा है। आज इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री शहीदों के परिवारजनों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे। सबसे पहले राबिया मुस्तफा से गुजारिश है कि वो मंच पर आके माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना नियुक्ति पत्र हासिल करें। राबिया मुस्तफा के शौहर कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी साल 2022 में मरिक साहब सौरा के इलाके में हुए मिलिटेंट हमले में शहीद हुए थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी को 2023 में शौर्य चक्र से नवाजा गया। और अब मेरी गुजारिश है रियाज अहमद डार से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना नियुक्ति पत्र हासिल करने के लिए मंच पे आ जाएं। रियाज अहमद डार के भाई SPO जावेद अहमद डार 2022 में पुलवामा जिले के पिंगलेना इलाके में हुए मिलिटेंट हमले में शहीद हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय प्रधानमंत्री जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान रोजगार के अनगिनत रास्ते खोले हैं। आज फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर के 1041 नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। मेरी गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने हाथों से ऐसे 2 नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट लेटर सौंप दें। सबसे पहले मंच पे आ रही हैं कुलसुम सलाम, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर हासिल करने के लिए। आपको बता दें कि कुलसुम सलाम को जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पे तैनात किया गया है। और अब मंच पर आएंगे अरुण भगत अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी से हासिल करने के लिए। अरुण भगत को भी जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट पर तैनात किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, खुशहाल जम्मू कश्मीर, अमन और तरक्की की नई तस्वीर। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले चंद वर्षों के दौरान कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे लोगों की जिंदगी का मेयार ऊंचा हुआ है और वो बेहतरी और खूबसूरती की नई राहों से परिचित हुए हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए एक साजगार माहौल पैदा किया है, जिससे हौसला पाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी योग्यताएं पहचानने और साबित करने के मौके मिल रहे हैं। कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले ऐसे ही आइकॉन्स में से कुछ हमारे साथ मौजूद हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सफर के बारे में उनसे जानने की इच्छा रखते हैं। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से संभव इस समारोह में यहां मौजूद लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर के 285 ब्लॉक्स और 80 अर्बन लोकल बॉडीज से लगभग 1,20,000 लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के नाजिम नजीर। नाजिम नजीर अभी यहाँ बजाते खुद स्टेडियम में मौजूद हैं। नाजिम नजीर का ताल्लुक पुलवामा जिले के सांबूरा गांव से है। नाजिम नजीर ने बी कीपिंग के शोबे में जो कर दिखाया है वो हजारों और नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री महोदय नाजिम से बात करेंगे। मेरा नाम नाजिम नजीर है, मैं पुलवामा के सांबूरा। नाजिम, नाजिम जी। जी जी सर। किस तरफ? हाँ बताइए जी सर। हाँ नाजिम, मेरा नाम नाजिम नजीर है, मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका कियर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊँ, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 kg। जब मैंने वो 75 kg एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था, मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में भेजता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपये। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपये मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए, मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपये मिले। और धीरे धीरे करके ये सफ़र मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5,00,000 रुपये मिले और मैंने अपना ये कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन 1,000 kg के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 kg शहद बिके हैं।
और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया, मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूँगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेज एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1-1 लाख रुपए कमाया और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशन्स में जाते थे 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है, आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा, तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी या सरलता से आपको समझ आया मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला, मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफ़र आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी देखिए, मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है, यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है, तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं? सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको ज़मीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे, आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम UP में जा रहे हैं, वहाँ हमें ज़मीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पर लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं और आप ऑनलाइन भी करते हैं, सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं, उसके कारण जो हनी मिलता है उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूँगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज़ का हनी है,
हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर वन है, हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए, और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की, और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं, आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं। वरना वो इंतजार करके बैठता है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं स्वीकार करूँ, उसको भी पूरा कर सकूँ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं SPG के लोगों को बोलता हूँ, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब और कौन है? अब हमारी श्रीनगर जिला की एक एंटरप्राइजिंग लड़की से हम आपका तारुफ करा रहे हैं, जिनका नाम है एहतिसाम मजीद भट्ट। एहतिसाम ने अपनी 3 दोस्तों के साथ मिलकर बेकिंग के शोबे में बहुत कामयाबी पाई है। एहतिसाम मजीद भट्ट श्रीनगर से। आप वर्चुअली हैं सर? वर्चुअली हैं जी। SKICC में मौजूद हैं सर। बताइए अपने बारे में बताइए। सर आदाब। सर मैं एहतिसाम मजीद रावलपुरा श्रीनगर से, और मेरे साथ फरहीना बशीर बारामूला से, सईद राफिया कुपवारा से और सकीना नजीर बांडीपोरा से। आपके बहुत सर, बड़ी हम टीम है। सर अच्छा, अपने बारे में बताइए एहतिसाम जी, आपने इस व्यवसाय में कैसे कदम रखा और इसको कैसे बढ़ाया? जी सर। सर हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर हम बचपन से ही बहुत पैशनेट थे बेकरी को लेके। जो ही हमारा एडमिशन फूड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में हुआ तो हमें ये लगा कि हमारे इस पैशन को एक दिशा मिली है। हमारा बेकरी को लेके एक आइडिया था, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम बेकरी में कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते थे ताकि लोग इजीली कंज्यूम कर सके, चाहे कोई डायबिटिक पेशेंट हो, कोई हेल्थ कॉन्शियस हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन। अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए था। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन स्किल डेवलपमेंट ने हमें इनक्यूबेशन सेंटर दिया, जहाँ हमने 6 महीने तक काम किया। इस इंक्यूबेशन में हमें पैशन सपोर्ट और मार्केटिंग स्किल्स मिले और कॉन्फिडेंस मिला आगे जाने का। जो ही कई चुनौतियां आई होगी, उन चुनौतियों को कैसे सामना किया आपने? सर हमने इंक्यूबेशन के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का सोच लिया, लेकिन हमने कुछ एक्सपर्ट से राय ली जिनसे हमें ये मालूम हुआ कि ये NOCs पेपर वर्क हमारे लिए बहुत हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली आपको? सरकार को कैसे मदद प्राप्त की आपने? सर 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी NOCs पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर हम 4 लड़कियां घर में खाली बेटियां ही है, भाई हमारे कोई नहीं है, तो हम ऑफिसेज में जाके दर दर की ठोकरें खाने से बच गए और ऑनलाइन ही घर बैठे ही वो सारी सेवाएं हमें प्राप्त हो गई। सर अभी बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। सर 12 अक्टूबर इसमें 2023 आपको जी सर, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करता है, तो आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ स्पेशल प्रयास करते होंगे? जी जी सर। सर हम
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हम ऑर्डर बेसिस पे बनाते हैं, जितना हमारा वहाँ से ऑर्डर बनता आता है और उसी हिसाब से हम फ्रेश बेकरी ही बनाते हैं। और सर हमारा फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने ये प्रयास लिया है कि हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तभी एक साल में ही हमारी मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है कि आज लगभग मंथली हम 2 लाख कमाते हैं। एहतिसाम जी, ये स्टार्टअप की तरफ आज पूरी दुनिया का झुकाव है, टीयर टू टीयर थ्री सिटी में भी स्टार्टअप, और आप उसी फील्ड को प्रतिनिधित्व करती है। इसके विषय में सरकार की जो योजना है उन सुविधाओं से आपको कितनी मदद मिल रही है? सर हमारी जितनी भी सरकार की स्कीम्स है हमने अभी तक इसलिए उनका ये लाभ नहीं उठाया क्योंकि हम स्टार्टअप में अपना ही हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, और जो इंक्यूबेशन लेकिन हमें मिला स्किल डेवलपमेंट से, वहाँ हमें जगह और ये इक्विपमेंट्स मिले, मशीन्स मिली, जिसपे हमने काम किया 8 मंथ तक, और उस 8 मंथ में जितना हमने अर्न किया उसी से हमने आज अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सभी इक्विपमेंट्स लाए, और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था। एहतियाब जी, पिछले 9-10 वर्ष में हमारी सरकार आपके जैसे करोड़ों युवाओं के स्टार्टअप के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, और आपने तो खुद ने अपनी बहनों की चिंता तो संभाली, आपने अपने दोस्तों को भी अलग अलग जिलों में इस काम से जोड़ा है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। हमारी सरकार की कोशिश है कि हमारे युवाओं के आइडिया को संसाधनों और पैसों की कमी ना हो, हमारे नौजवान साथी बुलंद हौसलों के साथ नए क्षेत्रों में कदम रखे, और ये सारी बहनें हमारे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जम्मू कश्मीर की बेटियां नई मिसाल खड़ी कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी सर, इतना ही नहीं सर, हम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि जो हम जैसी अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं हम उनको भी स्किल दे सके और वो भी एंटरप्रेन्योर की तरह काम करे, ना कि लेबर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एलजी साहब से भी कह रहा हूं कि आपके इस मिशन को जितना बल दे सकते हैं सरकार की तरफ से पूरा बल मिलेगा, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं, और अंडर प्रिविलेज बेटियों की चिंता करना ये और बड़ी बात है, इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय। और अब हमारे सामने आ रही हैं हमीदा बानो। हमीदा बानो का ताल्लुक गांधरबल जिले से है। हमीदा बानो ने NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत दूध की पैदावार में नुमाया कामयाबी पाई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमीदा जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं, और मैं आपके विषय में, अपनी यात्रा के विषय में, ये सफलता की सीढ़ियां कैसे प्राप्त की मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं। जी आदाब सर, मेरा नाम हमीदा है, मैं ब्लॉक ला डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बोल रही हूँ। सर मैंने 12वीं पास किया था, 12वीं पास करने के बाद मैं घर में ही खेतीबाड़ी के कामों में घर वालों की मदद कर रही थी, तो फिर 2013 में NRLM स्कीम आई तो मैं इसके साथ जुड़ी। तो ये सर एक ऐसी स्कीम थी जो घर घर में गई और घर घर से हर एक औरत को बाहर निकाला, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो उसके बाद मैंने NRLM से जुड़कर ही लोन लिया, तो वहाँ से मैंने एक गाय लाई, तो और अपने आसपास के घरों में देखा कि गांव में गाय पालने का काम आम है, तो वहाँ देखा मैंने कि जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद कुछ दूध बचता है जो ज़ाया होता है, तो इसी पे मैंने काम किया और मैंने 2019 में एक मैन्युफैक्चर यूनिट खोला जिसमें मैंने इस दूध को प्रोसेस किया, जहाँ पे मैं एक पाउच पैकिंग करती हूँ और दही भी बनाती हूँ और मैं चीज़ भी बनाती हूँ। सर इसमें एक ख़ास बात ये थी कि मैंने न सिर्फ अपने आप को रोज़गार दिया बल्कि अपने साथ औरों को जोड़ा, जैसे मेरी बहनें उनको जोड़ा जहाँ से मैं दूध कलेक्ट करती हूँ। और वहाँ पे अपनी रोजगार मिला होगा आपके कारण। जी सर, मैंने अपने साथ 5-6 बंदों को जोड़ा है, उसके अलावा अपने। अच्छा, मिल्क प्रोसेसिंग में क्या क्या करती हैं? सर मैं मिल्क प्रोसेसिंग में पैकेट्स बनाती हूँ जिसमें हम दूध वगैरह की
क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसमें खास बात यह है सर कि जो हमारा दूध वहाँ से प्रोसेस होता है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जो कोई बच्चा भी पी सकता है और बीमार भी पी सकता है, जिसकी उसकी सेहत ठीक रहती है सर। अच्छा, मार्केट मिल जाता है आपको? सर मार्केट इजी से आज मिल जाता है क्योंकि आपने जो पैकेजिंग की पद्धति अपनाई है जरा उसके विषय में भी बताइए। सर जो हम पैकेज करते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे इसको मेंटेन करें, इसको कैसे बॉयल करें, इसको कैसे चिल करें, फिर इसके बाद इसको पैकेट्स में कैसे डालें, फिर कैसे क्रेट्स में डालें, फिर कैसे इसको मार्केट में डिलीवर करें, क्योंकि ये जो हमारा दूध है इसकी जो लाइफ है 2 से 3 घंटे रहते हैं, 2 से 3 घंटे के बाद ये फट जाता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि क्वालिटी बराबर मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें हमें बहुत सारे इश्यूज आए क्योंकि मार्केट में बहुत सारा दूध अवेलेबल है जो प्रिजर्वेटिव है, जिसको 2 दिन भी निकलते हैं, 1 दिन भी निकलता है। तो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे ही दुकानदारों ने समझा, लोगों ने ये दूध इस्तेमाल किया, तो उनको पता चला कि सही क्वालिटी क्या है, इससे हमें क्या फायदा है। हमीदा जी, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं और इसके साथ साथ आप पोषण का भी काम कर रही हो, भारत सरकार का पोषण का बड़ा अभियान है। आप जिस प्रोडक्ट को लेकर के बाजार में गई हो उसके कारण न्यूट्रिशन के जो इश्यूज होते हैं उसको भी एड्रेस कर रही हो, आप एनवायरनमेंट की भी चिंता कर रही हो और आप वैल्यू एडिशन भी कर रही हो, एक साथ आप अनेक काम कर रही हो। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आज आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और मैं समझता हूं आगे का कार्यक्रम आप बताइए अब मुझे क्या करना है। सब हम बड़े खुलूस, बड़े अदब और बड़ी विनम्रता से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने शब्दों का आशीर्वाद दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी इसी धरती के संतान गुलाम अली जी और जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार, और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं, 285 ब्लॉकों से भी करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों को इतने विस्तार से समझाया, शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी, प्यार के इस कर्ज को चुकाने में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में, सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था, वहां मैंने 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है, 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं। देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया। पवित्र हजरत बल दरगाह में लोगों की सहूलियत के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है जिन्हें अगले 2 वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश,
पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जनभागीदारी से निर्णय होगा। आज से प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या ना लाओ, लेकिन कम से कम 5 परिवार जो 9 मिल भारतीय हैं उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं। मैं जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना, उनको कहता हूं आप जाइए, लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है, मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे, ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार बढ़े और तभी टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा। आपको 5% 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा, श्रीनगर आए एक बढ़िया चीज देखी, मन कर गया मैंने भी ले लिया। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग अब हमें वेड इन इंडिया के लिए, लोगों को शादी के लिए यहाँ आने का मन कर जाए और यहाँ के पर बुकिंग करे, यहाँ 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा, आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं है, वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से
ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी बहन हमीदा से जब मैं बात कर रहा था, पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली है ये बहन हमीदा से हम सीख सकते हैं। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। फलों और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि दो दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और आपने जरूर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा, मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का। यहां साफ सफाई के अभियान, यहां का हस्तशिल्प, यहां की कारीगरी, इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता हूं। एक बार मैंने नदरू के बारे में, कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। साथियों, जम्मू कश्मीर के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं बनाई जा रही है। 17 जिलों में यहां मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाए गए हैं। बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने अनेकों नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेजबानी की है। अब जम्मू कश्मीर देश की शीतकालीन खेल विंटर गेम्स, एक राजधानी विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में ये मेरा जम्मू कश्मीर उभर रहा है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करीब 1,000 खिलाड़ी देश भर से आए, उन्होंने हिस्सा लिया। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी
आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार, वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और निगम, नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनत कश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। J&K बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। J&K बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज J&K बैंक फिर से मजबूत हो गई है। इस बैंक का मुनाफा जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है।
ये आपका पैसा है, आपके हक का पैसा है, मोदी तो चौकीदार बन के बैठा है। 5 साल पहले बैंक का बिजनेस 1.25 लाख करोड़ रुपए में सिमट गया था, सिर्फ 1.25 लाख करोड़। अब बैंक का बिजनेस 2.25 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। 5 साल पहले बैंक में डिपॉजिट भी 80,000 करोड़ रुपए से कम हो गए थे, यानी लगभग अब 2 गुना होने जा रहा है। अब बैंक में लोगों के डिपॉजिट भी 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर गए हैं। 5 साल पहले बैंक का एनपीए 11% को भी पार कर गया था, अब ये भी कम होते 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 5% के नीचे आ गया है। पिछले 5 साल में जेएनके बैंक के शेयरों की कीमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धि हुई है। बैंक के शेयर की जो कीमत 12 रुपये तक गिर गई थी, वो अब 140 रुपये के आसपास पहुंच गई है। जब ईमानदार सरकार होती है, नियत जनता की भलाई होती है, तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को ही विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। साथियों, कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। और मेरे साथियों, ये भूमि तो आदि शंकराचार्य की तपोभूमि रही है, और कल महाशिवरात्रि है। मैं आपको भी और सभी देशवासियों को भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।